नमस्कार, स्वागत है आपका जनतन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर। भारत मूल सुनीता विलियम एक बार फिर स्पेस पे जाने के लिए तैयार हैं। इस बार उनके साथ बूच विलमोर भी रहेंगे। नासा के दो एक्सपीरियंस स्पेस यात्री बोइंग के स्टारलाइनर स्पेस में सवार होकर स्पेस में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये पहला मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट होगा जो नासा के अनुसार केनी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसकी डेट अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। मिशन के संचालन करने वाली सुनीता विलियम ने मीडिया कर्मियों से बात की और उन्होंने ये बोला कि वो थोड़ी सी घबराई हुई हैं, लेकिन वो फिर से स्पेस में जाने को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने साथ गणेश जी की मूर्ति लेके जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेंगी तो उनके लिए ये घर जाने जैसा होगा। एक और इतिहास रचने जा रही हैं सुनीता विलियम्स। तीसरी बार अंतरिक्ष में भरेंगी उड़ान। बोइंग के स्टारलाइनर यान से जाएंगी अंतरिक्ष। भगवान गणेश की मूर्ति संग ले जाएंगी सुनीता। डॉक्टर दीपक पांडे और बोनी पांड्या के घर पर जन्मी सुनीता विलियम्स एक बार फिर इतिहास रचने जा रही हैं। वो ऐसी पहली महिला होंगी जो मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट के पहले मिशन पर उड़ान भरेंगी। वो साल 2006 और 2012 में दो बार अंतरिक्ष जा चुकी हैं। 18 नवंबर 2012 में उनका दूसरा मिशन खत्म हुआ था। विलियम्स ने दो मिशनों के दौरान 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता विलियम्स स्पेस में यात्रा के दौरान अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति और उपन्यास लेके जाने वाली हैं। उनका मानना है कि भगवान गणेश उनके लिए भाग्यशाली हैं। वो अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति को स्पेस में लेके जाने के लिए काफी खुश नजर आ रही थी। इससे पहले भी सुनीता अपने साथ अंतरिक्ष में भागवत गीता लेकर गई थी। फिलहाल सुनीता बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के क्रू फ्लाइट टेस्ट के मिशन का पायलट बनने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं। सुनीता विलियम को कई देशों की सरकारों ने सम्मानित किया है। भारत सरकार ने उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। रूस की सरकार ने उन्हें मेडल ऑफ मेरिट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन से सम्मानित किया है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने उन्हें गोल्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा है। नासा ने उन्हें नासा स्पेस फ्लाइट मेडल से सम्मानित किया है, जो स्पेशल मिशन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इन सभी शोहरतों के लिए अपने साथ सुनीता विलियम एक बार फिर अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अपने नाम का परचम लहराने के लिए। आगे चलकर ये देखना काफी दिलचस्प और रोमांचक होगा कि स्पेस में जाने के बाद उनका सफर कैसा होता है और उनको क्या नई उपलब्धियां हासिल होती हैं। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनतन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से।